भाई हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यन व्लॉग अगेन। ये देखो टुडे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो कर ढकल ये रहे ढकल हैं मत करते कि हैं ये देखो मेरा बाइक है तो इसका भाई। गियर टूल बाहर निकल गया है, देखो यानी ढीला हो गया है। और बेसिकली ढीला इस कदर हुआ है कि जहाँ से ये कसते हैं हम लोग नट बोल्ट, देखो जो उसमें नट और बोल्ट लगा हुआ भाई, जो नटवा वहाँ आई पे आई एक स्कूल लेते थोड़ा सा जगह टाइप का रहता है, इतना तो जल्दी वो जगह भी कम पड़ रहा है। वजह ये कि वो घिस गया, घिस के उसके अंदर का जो छेद है वो ख़त्म हो गया। तो अब जुगाड़ लगा रहे हैं कि इसको कैसे लगाएं। तो यही है आज की वीडियो में। तो ये गियर टूल, मैं ये बैठे हैं गोलू अजीत। लास्ट वीडियो में जस्ट इसके जो लास्ट वाला जो वीडियो है, अभी देखो मैं घर जा रहा हूँ टूल रिंच और प्लास लाने के लिए, क्योंकि उसको लगाने के लिए रिंच और प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे घर जाने के लिए रास्ता। और देखो ये मैं घर से प्लास और टूल लेके आ रहा हूँ नट और बोल्ट खोलने के लिए, फिर कसने के लिए। पिंटू खड़े हैं, लालू खड़े हैं, उपेंद्र खड़े हैं, और ये देखो गोलू अजीत मेरा इंतज़ार करते हुए। इसके हाथ में जो फ़ोन है ना, यही फोन फ़ोन लगे मेरे पैर के नीचे आ गया था। अभी जस्ट ये वीमेट का वीडियो बनाने के लिए बोलेगा कि लो रिकॉर्ड करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा था। और मैं थोड़ा सा फिर अपना अपने फ़ोन में, यानी इस वाले वीडियो को मैं बनाने के लिए मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया, और इसके वजह से पता नहीं कब और कैसे फ़ोन गिर गया नीचे और वो आ गया मेरे पैर के नीचे। ले चालू कर ले, तो वो फ़ोन टूट गया या नहीं टूटा या फिर क्या टूटा, कितना टूटा, वो वीडियो अगर आप देखना है तो जस्ट जाओ, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है सैमसंग के 30,000 के फ़ोन का, ऐसा ऐसा थंबनेल उसका कैप्शन है, तो उसको जाओ देखो और मज़े करो। खैर फिलहाल हम लोग ये गियर टूल जो है उसको हम लोग खोल रहे हैं। अभी गोलू खोल रहा है ग्लास और उस ओपन टूल के माध्यम से, और ये जस्ट खोलने के बाद हम लोग उसको लगाएंगे और देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर से लग पाएगा या फिर लगाने के लिए कोई दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक, ये देखो ये फालतू का झूठ मूट का ये कर क्या रहा है। हाँ ये देखो क्यों कर, देखा अभी अभी जो फ़ोन था ना बगल में, इसी में वीमेट का वीडियो बना रहा था, एक छोटा सा 15 सेकंड का व्लॉग वीडियो। अब फिर वही फ़ोन मेरे हाथ में आया, मैं पता नहीं कैसे क्या हुआ। ठीक, तो खैर ये देखो उसको ढीला किया गया, नट को ढीला करने के बाद गियर टूल का जो जो पोर्शन होल्डर है उसमें हम लोग डाल रहे हैं, और डालने के बाद फिर इसको कसेंगे, और कसने के बाद फिर देखेंगे कि ये क्या प्रॉपर से लग पा रहा है कि नहीं। और नहीं लग पाने का इसका मेन रीज़न यही आएगा या फिर आ रहा है कि वो उसके अंदर का जो जो छेद है, छेद यानी कि जो जो जगह है जिस जगह पे उसको डाल के कसते हैं उसमें वो एक क्या बोलते हैं, मतलब घात टाइप का बना हुआ है, लेकिन वो मिक्स हो गया है, मतलब वो घिस गया, इसकी वजह से ढीला हो जा रहा है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लग जाए। अब इसको लगाने के लिए अब उसमें जो रिंच है अपने पास, वो रिंच भी नहीं है, यानी टूल भी नहीं है कि प्रॉपर से उसका नट और बोल्ट खोल पाए। तो इस टूल को कसने के लिए जो कैप लगा हुआ है ना, तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो बंदा, वो प्रॉपर से उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, क्या काम मिस्त्री का बुलाए, कोई लगा दिक्कत होगा दिखा पाने में। लेकिन खैर वो जो टूल के ऊपर एक ये देखो इंजन है ना, वो चेचिस, उसके ऊपर एक टूल लगा हुआ, तो गोलू का कहना है कि उसको हम लोग बाहर निकालेंगे खोल के, तभी फिर उसको सही से प्रॉपर तरीके से कसने में सही पड़ेगा, ठीक पड़ेगा। देखो ये जो बॉक्स है ना, ये जो गियर टूल दिख रहा है इसके ऊपर जो बॉक्स है, लेकिन अपने पास उसको खोलने के लिए रिंच ही नहीं है या फिर कोई टूल ही नहीं है, यानी हमें उसी में ही जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ इसको करके कसना होगा। ठीक, ये देखो नीचे से मैं दिखाता हूँ, देखो ये कस रहा है, तो इधर से कस रहा है, और तो इधर से मे भी घूम जाए ऐसा चांस होगा, और वो घूम भी रहा है, चांस क्या घूम ही रहा है। तो गोलू का कहना था ये जो बॉक्स दिख रहा है ना ये ऊपर होंडा जो लिखा हुआ हीरो होंडा, इस बॉक्स को खोलने के लिए बोल रहा था कि फिर जगह मिलेगा तो आसानी से फिर प्लास से पकड़ के, यानी अपने भोजपुरी स्टाइल में पिलास बोलते हैं, पिलास से पकड़ के इसको फिर आराम से इधर से ये रिंच लगा के जो कि लगा हुआ अभी आप देख पा रहे हो, और इधर प्लास से पकड़ के आसानी से कसेंगे, क्योंकि जो ढील रहा है हिलेगा नहीं, निकलने का ज़्यादा चांस नहीं रहेगा। लेकिन
एक्चुअल चीज ये है कि वो जो है ना उसके अंदर का जो घात है वो खत्म हो गया, मुझे जैसा लग रहा है। इसके वजह से वो प्रॉपर से बैठ नहीं पा रहा है, वो हिलते ही रह रहा है। अब इस चीज को सही करने के लिए देखो, देख रहे हो इस तरीके से इतना पूरा कस दिया गया है, लेकिन कसने के बाद क्या है कि वो जो जगह तो पूरा हो गया, कसा गया, लेकिन वो अंदर का जो घात है ना, जो जो दांत बनी रहती है दांत दार टाइप का, वो खत्म हो गया। इसको करने के लिए कोई दूसरा जुगाड़ लगाते हैं, ठीक। अब उस जुगाड़ को देखो मैं क्या उपाय किया हूँ। अभी क्या करेंगे, अभी इसको पहले खोल के बाहर निकाल लेते हैं। अभी कोई वो नहीं, देखो हिल रहा है, पूरा कसने के बाद भी हिल रहा है। इसको देखो बाहर निकालने के लिए ढीला तो करके बाहर निकाल रहे हैं कुछ लगा के। अब इसको देखो क्या क्या जुगाड़ लगा रहे हैं। खोलना बताओ नहीं, पाचक लगाओ नहीं, खोलते एक बार देख रहे हो। खोल कर पूरा निकाल। अब देखो बाहर निकल गया है। बाहर निकालने के बाद अब मैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं ब्लेड लेके ब्लेड को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, बीच से टूट जाता, और वो जो छेद है ये जो गियर टूल का, उस छेद के अंदर मैं उसको डाल दूंगा दोनों साइड से। अब क्या होगा कि जो ढीला पड़ रहा था वो ब्लेड डालने से कस्सा हो जाएगा, जाम हो जाएगा, ठीक। तो वो उसको एक मजबूती मिल जाएगी प्रॉपर से पकड़ के लिए कसने के बाद, जिससे कि वो हिलेगा नहीं और मजबूती से वो कसा जा चुकेगा, अच्छे से वो बैठ जाएगा, ठीक। देखो ब्लेड लगा के मैं उसके अंदर लगा रहा हूँ। अब उसको, अब ब्लेड जब दोनों साइड से लगा दिए तो वो थोड़ा सा माइनर होता है ना, वो माइक्रोन में वो ढीलापन रहता है। तो अब ब्लेड दो साइड से ब्लेड लगाया गया तो कहीं ना कहीं वो mm में आ गया है, ठीक। एटलीस्ट 0.5 तो नहीं, 1.2 mm के जगह में वो पूरा वो कसेगा उस चीज़ को। तो उस चीज़ को, तब उसके लिए इसको जो अंदर जो ढकेलना है, अंदर ढकेलने के लिए मुझे एक हथौड़े की ज़रूरत पड़ रही है। इससे देखो प्लास से मैं ठोक रहा हूँ लेकिन वो प्रॉपर से अंदर नहीं जा रहा है। जब प्रॉपर से अंदर जाएगा तभी फिर उस नट को और बोल्ट को कसेंगे तो एकदम प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। अब मुझे चाहिए होगा प्लास। मैं प्लास के लिए देखो भटकना चालू, कमेंट्री कुछ देर के लिए बंद रहेगा। नेटावा ये देखो छोटा, ये विनोद भैया का लड़का है, और ये देखो बस धोना है। अरे पकड़ लो तो फिर लगभग चिल्ला है, तू खाला मरता पागल वाका चमड़िया खींच दे था। ना ना थोड़ी देखना, थोड़ी देखना, दाम मरता ठोक के अंदर में डाले क्या ईटा से मार दे, उतना जगह रहता मार ले लेते अभी तक। कुछ लगा के मारता, प्लास तो नहीं मिला, अरे सॉरी हथौड़ा, और नहीं मैंने ज़्यादा उसका उस पर खोज किया, वो मिलने को तो मिल ही जाता कहीं ना कहीं खोजता तो। ये देखो उपेंद्र का ये आइडिया, ये कहीं बांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, बोला इसको लगा के पत्थर से यानी ईंट से या फिर पत्थर से उसको मारो तो अंदर चला जाएगा और टूटने का भी डर नहीं रहेगा लकड़ी के माध्यम से, ठीक। तो देखो लकड़ी के गुटके से यानी बांस के गुटके से, यार कैमरा कैसा चला दिया, पूरा ब्लर ब्लर आ रहा है यार। मैं बोला था फोकस करने के लिए, देखो जमीन पे फोकस किया हुआ है, मेन जगह पे फोकस नहीं है यार, ये क्या हाल है, वीडियो पूरा ब्लर आ रहा है। अरे यार तो दोस्तों खैर जो भी है, ब्लर तो आ ही रहा, देखता हूँ कितने देर बाद ये फिर सही होता है। इसको फोकस नहीं प्रॉपर से किया गया, तो यही है पास के टूल से उसको अंदर कर दिया ठोक ठोक के। अभी अंदर जाने के बाद अब उसको आसानी से मैं उसको कस पाऊंगा, नट को अच्छे से कस दूंगा, तो उसके बाद फिर वो हिलेगा नहीं, ठीक। लकड़ी ना उछड़ा था ना, लकड़ी से मार तो अब बस थोड़ा सा सीन ये है कि नट को जब हम लोग कसेंगे तो दूसरे साइड से वो घूम रहा है, यानी उस साइड भी एक रिंच चाहिए होगा, इस साइड भी एक रिंच चाहिए होगा। थोड़ी ना रहने पे ऐसे ही काम किया जाता है, देखो दोस्तों ये हो गई, ये चल गया, चला गया, ठीक। तो रिंच की जगह मैं प्लास का इस्तेमाल करूंगा जैसे तैसे जुगाड़ लगा के, ठीक। एक साइड से इधर से तो रिंच हो जाएगा, उधर से प्लास हो जाएगा, अब देखूंगा, या फिर अगर उस साइड प्लास नहीं पड़ पाएगा तो इस साइड प्लास पकड़ना पड़ेगा। देख रहे हो कितना क्लोजअप से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यही है, गियर टूल निकल जाए तो आप आसानी से घर पे लगा सकते हो, अगर उसका दांत खत्म हो गया हो, उसका जो घात के अंदर जो भी वो थ्रेड टाइप का बनाया गया रहता, अगर वो सब खत्म हो गया हो तो आप आराम से ब्लेड का, ब्लेड की सहायता से या उस तरीके का कुछ भी पतला लोहे का कोई चद्दर टाइप का, चद्दर तो यार बहुत बड़ी चीज़ है, क्या बकवास कर रहा हूँ मैं,
ब्लेड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसके अंदर डाल दो, डालने के बाद इसको ठोक दो, तो वो जो जगह है ना, जो जगह जो कम पड़ रहा था पकड़ के लिए नट कसने के बाद, वो उससे पकड़ में आ जाएगी। आप फिर इसको आसानी से आप कस दो, फिर हो गया, ठीक ना। तो ये है घर पे एक उस तरीके से। अब दुकान पर ले जाने के बाद वो दुकानदार किस तरीके से मिस्त्री बनाता नहीं मालूम, वो भी कुछ ऐसा ही कुछ करता, उसमें कुछ ना कुछ वायर लगाता या फिर वैसे ही कुछ लोहे का कुछ कोई चीज़ इस्तेमाल करता, और तो कुछ मेरे हिसाब से करता नहीं। तो यही है सारा सीन, ठीक। अब इसको देखो मैं कस रहा हूँ, तो आई होप कि आपको ये सारा सीन समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। कभी ज़रूरत पड़े तो आप घर पे अपने बाइक को या फिर किसी भी तरीके का, इस तरीके का कोई टूल है तो इसमें जो कि ढीला पड़ गया या कुछ पड़ गया है, तो आप इस तरीके से मैनुअली घर पे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तो चीज़ नहीं है। तो ये है देखो, प्लास का यूज़ करना ही पड़ा आखिरकार मुझे, कि एक साइड से प्लास पड़ के एक साइड से घुमाना है। तो इतना जगह कम है इसके लिए, गोलू बोल रहा था ये हीरो होंडा वाला जो कैप दिख रहा है आपको, इसको खोलने के लिए खोल देते तो प्रॉपर से जगह बन जाता, लेकिन लफड़ा ये है कि उसको खोलने के लिए वो छोटा छोटा जो उसके लिए अलग से एक रिंच होता है अलग तरीके का, वो चाहिए होगा, वो जो भी भाई अपने पास है नहीं, तो जब नहीं है तो फिर जो भी है जितना भी है जितना भी जगह मिल रहा है उसी जगह के हिसाब से अपने को करना है, ठीक। अभी मैं कस रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, होगा तो प्रॉपर से ठीक, नहीं हुआ तो फिर प्लस और रिंच की सहायता से कुछ दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रॉपर तरीके से कस दिया जा चुका है, ठीक। अभी उसमें कोई वो नहीं है, ठीक, देख सकते हो आप, क्लोजअप में दिखा रहा हूँ। नीचे का सही ना, नीचे इधर से नीचे का सही, देख रहे हो, ऐसे एक साइड से प्लास से पकड़ेंगे नट, अब बोल्ट को पीछे से फिर कसना, इधर से मैं चालू करूँगा या फिर इधर से बोल्ट को पकड़ लूँगा प्लास से, नट को कसना चालू करूँगा, जैसे जैसे जगह जगह बना बना के मैं कस रहा हूँ उसमें। तो दोस्तों यही है आज का सीन, इस वीडियो का सीन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये घर पे देहाती स्टाइल में या फिर अपने स्टाइल में जो भी कह लो इसको बनाने का एक, ठीक है क्या बकवास कर रहा हूँ, जो भी है पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, इन्जॉय करो। मैं ऐसे ही गांव से संबंधित अजीब अजीब चीज़ें करते रहता हूँ, वीडियो बनाते रहता हूँ, हम लोग वीडियो भी बनाते हैं कॉमेडी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बना पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं गाँव में जब मैं मुंबई जाऊँगा अलग बनेगा जो कि YouTube पे डालूंगा, फिलहाल ऐसे वीमेट पर और TikTok पे Instagram पे मैं भी वीडियो से वही वीडियो डालते रहता हूँ। तो जाओ मेरी वीडियो को देखो, इन्जॉय करो, मस्त रहो, यूट्यूब आर्यन व्लॉग को सब्सक्राइब कर लो, फैमिली में भी से भेज दो यार, कभी खाली रहोगे देख लोगे मज़ा आ जाएगा, और क्या थोड़ा टाइम पास हो जाता है, ठीक ना। तो यही है वीमेट पर, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरी कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हो, तो जाओ वीमेट पर सर्च करो #आर्यन मौर्य, स्पेस नहीं है, कंटिन्यू है सारा हैशटैग उसी से चिपका, RNARYAN MAURY, इंस्टाग्राम पे जाओ मुझे फॉलो करो, RNMauryOfficial, instagram.com/RNMauryOfficial या फिर #RNMaurya।